राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों और प्रिय प्रिय बुजुर्गों, फिर दोबारा आपसे मिलने के लिए आ गए हैं। और अवश्य ही मेरे प्यारे भाइयों बहनों और प्रिय प्रिय बुजुर्गों, सावन का महीना है। सावन के महीने में तिल चोरी वाला उपाय जरूर कीजिए। मैं हर बार ही बता के जाता हूँ, आज फिर मैं बताऊंगा। सावन बहुत सारे दर्शकों की स्पेशल जो है मैंने डिमांड की है कि तिल चोरी में क्या चीज डालनी है ऐसी। बिल्कुल 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 मेरे प्यारे भाइयों बहनों और प्रिय प्रिय बुजुर्गों, अवश्य ही इस उपाय से जन्मों जन्मों का कर्जा उतर जाता है। इस उपाय से काम धंधे में बरकत होती है, दुनियावी फायदा मिलने लग जाता है, कर्जा आपका उतर जाता है अवश्य ही। क्योंकि सावन के महीने में जब बारिश होती है, बारिश जब होती है तो जमीन गीली होती है। जब जमीन गीली होती है तो क्या हो जाता है, जमीन में से हीट निकलनी शुरू होती है, तो पताल की शक्तियां, आप कह सकते हैं कीट पतंगे, छठा घर हमारा एक्टिव हो जाता है। छठा घर आपको सबको पता होगा, पत्री में छठा घर कौन सा होता है, रोग ऋण शत्रु का होता है। जैसे ही पताल की शक्तियां, हमारे छठे घर की शक्तियां जागृत होती हैं और जब वो पताल में से निकलती हैं, आप पहले से ही वहां पे तिल चोरी डाल देंगे, वहां पे गाड़ देंगे, शक्तियां आएंगी और उन्हें जब खाएंगी, कीट पतंगे खाएंगे, तो आपके रोग ऋण शत्रु जन्म जन्म के खत्म हो जाएंगे। और छठा घर पताल भी है सचिन जी, पताल से ही तो आएंगे ना साक्षी जी, छठा घर पताल भी है, छठा घर रोग ऋण शत्रु का भी है। अब तिल चोरी किस प्रकार से बनानी है आप लोगों ने, आपने पहले नारियल का खोपा लेना है, उसका मुंह काटना है जिसमें आप तिल चोरी डाल सके। आपने क्या करना है मेरे प्यारे भाइयों बहनों और प्रिय प्रिय बुजुर्गो, लेना है आपने काले सफेद तिल लेने हैं, उसके बाद आपने बूरा चीनी लेनी है, उसके बाद आपने खसखस लेनी है। इन सारे सामानों को देसी घी डाल के मिक्स कर लीजिए, थोड़ा सा देसी घी को पिघला लीजिएगा, इसको गैस में मत बनाइएगा। आपने देसी घी को थोड़ा सा पिघला के मिक्स करने में आसानी हो जाएगी। मिक्स करने के बाद आपने सारा सामान आपने नारियल में डालना है और बंद कर देना है ढक्कन को, धागे से नहीं बांधना है, ढक्कन लगा लगते हुए वैसे करते हुए गिरे कुछ भी हो टेंशन नहीं लेने का है। उसके बाद आपने पूरे परिवार का एक एक नारियल आप लेके जाएं, या आप भी अपने परिवार के सदस्यों में से घर से ही बाहर के ले जा सकते हैं अगर वो नहीं जाना चाहते हैं, या बूढ़े हैं जाने में सक्षम नहीं है, तो ये आपने कार्य आपने क्या करना है, जाके सारे नारियल आपने 21-21 बारी वार कर जय श्री राधे दबा देने हैं। रोग ऋण शत्रु आपके गुम जाएंगे। आप छठा घर हमारा नौकरी का भी होता है, नौकरी में भी आपकी तरक्की हो जाएगी। छठा घर संजीव जी हमारा कंपटीशन का भी होता है, और छठे घर के कारक आपके बुध और केतु होती हैं, आपके बच्चों को भी इसका इफेक्ट आएगा। बिल्कुल बिल्कुल साक्षी जी, बहुत ही चमत्कारिक रूप से हम तो हमेशा करते हैं, जब भी सावन का महीना आता है हम अवश्य ही ये उपाय करते हैं और जिसका हमें प्रभाव बहुत अच्छा मिलता है, आपको वीडियो में भी देखने को मिलेगा अवश्य ही। बहुत झमाझम बारिश हो रही है, पताल की शक्तियां जागृत हो रही है, तो समय न व्यर्थ करके जल्दी से जल्दी तिल चोरी वाला उपाय कीजिए और चमत्कार को नमस्कार कीजिए। और ये संजीव जी उपाय जो है किसी भी शनिवार को कर सकते हैं, या फिर शनिवार को नहीं करना, किसी भी दिन कर लीजिए, अमावस्या हो, पूर्णमासी हो, कभी भी करें, और इसका कोई दिन रात का कोई भी परहेज नहीं है, कभी भी आप कर सकते हैं। 21 बार एंटी क्लॉक वाइज गुरु जी ने आपको बताया है, एंटी क्लॉक वाइज का मतलब होता है उल्टे कान से आपने आगे चीज लेके आनी है, फिर आगे ऐसे करके 21 बार मारने के बाद वो उस गड्ढे में डाल दीजिए, गड्ढा खोद दीजिए, और वहां पर जाकर आप किसी पार्क में कर सकते हैं, किसी पेड़ के नीचे कर सकते हैं, कहीं पर भी जहां पर आपको चीखी पतंगे वाला नजर आ जाए वहीं कर दीजिए। गड्ढा खोदने में सक्षम ना हो तो पेड़ के नीचे रखा है संजीव जी। साक्षी जी अगर गाड़ देंगे तो ज्यादा अगर गाड़ देंगे बहुत अच्छा रहेगा, गाड़ के अंदर रहेंगे लाखों कीट पतंगे वहां पे खाएंगे, भला ही भला। संजीव जी जो लोग लंगर नहीं लगा सकते, लाखों रुपए के लंगर नहीं लगा सकते, वो इन लोग इन कीट पतंगों के लिए आपने 6-6 महीने का राशन का इंतजाम आपने कर दिया, लाखों वो भी लाखों की संख्या में। सही बात है, राशन का आपने बस्ती बसा दी वहां पे, ये लगाइए
एक चींटी का पेट भरे, एक इंसान का पेट भरे, एक हाथी का पेट भरे, फल उतना ही मिलता है। तो बस ये तो छोटी छोटी सी चीजें आपके लिए हमेशा लेते लेके आते रहेंगे, ऐसे चमत्कारी उपाय लेके आते रहेंगे जिसका नुकसान नहीं है। इन 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 उपायों का कोई नुकसान नहीं है, ये बात आप अपने दिमाग में सोचिएगा। और हमारे किसी भी उपाय का कोई नुकसान नहीं, कोई नुकसान नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। तो चलिए साक्षी जी आज्ञा ले लेते हैं। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों और प्रिय प्रिय बुजुर्गों, आपके भी अगर जीवन में है समस्या तो अवश्य ही आप हमें दोपहर को 3 बजे फेसबुक और यूट्यूब पर लाइव आके अपनी समस्या लिख के हमसे समाधान पा सकते हैं, और रात को भी 10 बजे फेसबुक और यूट्यूब पर लाइव आके अपनी समस्या का समाधान हमसे पा सकते हैं। तो अवश्य ही जुड़िए हमसे दोपहर को 3 बजे और रात को 10 बजे लाइव।